देख रहे हैं न्यूज और झारखंड की सुपर 25 खबरों के साथ मैं महेंद्र पात्रा। लेकिन खबरों में दर्शकों आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं। जी हां, आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग ही सर्वोपरि होगा, तभी हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं और आगे भी हम ऐसे ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला है, इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। अंतर्गत पिपला में बिजली की तार टूट जाने पर चार बच्चों की हुई मौत, NHRCCB के राष्ट्रीय सचिव की पहल से पीड़ितों के परिवारों को सरकार द्वारा मिला 2-2 लाख का मुआवजा। साक्षी के घोड़ा मंदिर स्थित सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत, पटना से आए बड़े भाई ने जताई हत्या की आशंका। आज सुपाटी की सुनारी मंडल कमेटी का किया गया गठन, अभय सिंह बने अध्यक्ष तो वहीं सोनू बने सचिव। जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र में बीते दिनों गणेश प्रसाद यादव के घर पर चोरी के मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंत्री कन्या गुप्ता के प्रयास से सड़क हादसे में मृत ऑटो चालक के परिजनों को मिली सहयोग राशि, जताया आभार। 2 महीने से लापता ओला चालक राहुल का अब तक नहीं मिल सका सुराग, थाने से लेकर SSP ऑफिस तक चक्कर लगा रही है राहुल की मां। TSM कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, कहा जनजातीय महिलाएं संस्कृति की संरक्षिका वैश्विक पटल पर लाना है आवश्यक। रूंगटा माइंस ने कुरहिबल आयरन ओर ब्लॉक भी किया अपने नाम, 124% के प्रीमियम की उच्चतम बोली लगाकर रूंगटा ने हासिल किया नया ब्लॉक। LBSM कॉलेज आने वाले दिनों में प्रतियोगी परीक्षा तैयारी का बनेगा केंद्र, कॉलेज ने तैयारी की शुरू। टाटा ब्लू स्कोप में बोनस को लेकर रार, दर्जनों वार्ता हुई विफल। मुसाबनी टाउनशिप स्वच्छता व सहयोग समिति को सांसद ने सौंपा कई उपकरण। बागबेड़ा फायरिंग मामले में फरार आरोपित ने ऑटो चालक की वर्दी पहनकर अदालत में किया आत्मसमर्पण। पलामू में मां बेटी एक साथ फंदे से झूली, सौतन से अक्सर होता था महिला का झगड़ा, पारिवारिक विवाद में सुसाइड की बताई जा रही है आशंका। चाईबासा में हुए 4 लोगों की हत्या मामले का हुआ खुलासा, बड़े बेटे ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी माता पिता भाई और बेटे की हत्या, पारिवारिक विवाद में वारदात को दिया था अंजाम। गिरिडीह में शराब से लदी कार से बाइक की हुई टक्कर, एक की मौके पर हुई मौत, हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद 2 हुए जख्मी, घटना के बाद मोटरसाइकिल में लगी आग। 40वें सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में चाईबासा की बेटी ने दिलाया झारखंड को स्वर्ण, महिला टीम फाइनल में। पश्चिमी सिंहभूम के गोयल के रहने अपराधी ने ग्रामीण की गोली मारकर की हत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी। वन बंधु परिषद के द्वारा घाटशिला मुसाबनी क्षेत्र के रहनी गुड़ा गांव में निःशुल्क मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। जमशेदपुर के साक्षी में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, स्वजनों ने जताई हत्या की आशंका। प्रजापिता ब्रह्म कुमारेश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। भगत सिंह चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से प्रतिभा छात्रवृत्ति समारोह का हुआ आयोजन, सोसाइटी के द्वारा 8वीं, 9वीं व 10वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप कार्यक्रम हुआ शुरू। भारत सेवा श्रम संघ ने जमशेदपुर म्यूजिक सर्कल का मॉर्निंग रागा व वाद्य यंत्र कार्यक्रम का हुआ आयोजन। JNSE ने सफाई मित्रों के लिए किया सम्मान समारोह का आयोजन, शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मियों को किया गया सम्मानित। गिरिडीह में मधुमक्खी काटने से 3री पंचायत में 5वीं मौत, नाबालिग बच्ची को मधुमक्खी ने काटा, हुई मौत, मचा हड़कंप। तो आज के लिए बस इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24।